उत्तराखंड में आए दिन बाघ के हमले की खबर सामने आती रहती है। ऐसी एक दुखद खबर नैनीताल जिले के रामनगर से सामने आई है, जहां दोपहिया सवारों पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें बाघ एक व्यक्ति को अपने साथ जंगल की ओर ले गया। बता दें कि क्षेत्र में 6 बजे के बाद दोपहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग और स्थानीय लोगों ने व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को देर शाम बाइक पर सवार रामनगर निवासी 3 व्यक्ति मोहम्मद शमी, सूरज नेगी और नफीस खताड़ी धनगड़ी गेट से रामनगर की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच रामनगर नेशनल हाईवे के पनोद नाले के पास बाघ ने दोपहिया सवारों पर जानलेवा हमला कर बाघ ने 25 साल के नफीस को अपना शिकार बना लिया और जंगल की ओर ले गया, जबकि उसके साथ बैठे 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग और स्थानीय लोगों ने व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। वहीं रामनगर के DFO कुंदन कुमार ने बताया कि रात अधिक होने के कारण सर्च ऑपरेशन को रोका गया, लेकिन सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा।